दोनों भाइयों ने मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है। भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये लोकसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को चुनाव प्रचार करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने हमला कर दिया। दरअसल जब कन्हैया कुमार उस्मानपुर के करतार नगर इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने उनको थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही उन पर स्याही भी फेंक दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरे प्लान के साथ शख्स ने कन्हैया कुमार पर हमला किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। शख्स ने कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चलाए। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है। हमलावर मनोज तिवारी के करीबी है। इस घटना की सूचना आपकी पार्षद छाया शर्मा ने पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें शुक्रवार की शाम 6:53 पर घटना की कॉल मिली। इसमें बताया गया कि ये घटना 4th पुस्ता स्वामी सुब्रमण्यम भवन आप दफ्तर की है। इस जगह पर कन्हैया कुमार एक मीटिंग में शामिल हुए थे। छाया शर्मा इस मीटिंग की आयोजक थी। इस मीटिंग के बाद छाया शर्मा कन्हैया कुमार को छोड़ने आई। इसी दौरान कुछ लोग आए और कन्हैया कुमार को माला पहनाने लगे। माला पहनाने के बाद कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार पर इंक फेंका और उन पर हमले की कोशिश की। जब छाया ने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी गई। मामले की जांच फिलहाल जारी है। इस मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट करके पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अलका लांबा ने लिखा, जो सामने से नहीं लड़ सकते वो अक्सर नकाब के पीछे छिप कर वार करते हैं। हार की बौखलाहट में उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी भाई कन्हैया कुमार पर हमला निंदनीय है। दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्यवाही करते हुए इन भाजपाई गुंडों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पप्पू यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली, ये अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी। कांग्रेस नेता रितु चौधरी ने एक्स पर लिखा, खबरें आ रही है कि मनोज तिवारी और बीजेपी के कुछ पालतू गुंडों ने हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हिंसा की है। हार के डर से बौखलाए भाजपाइयों ने ये कायरों वाला काम किया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।